सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी, जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुँचाए। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष राजेंद्र गांधी, एक पेट का डॉक्टर हूँ। पेट, लीवर, विकार और एंडोस्कोपी तज्ञ हूँ, जहाँ पर एंडोस्कोपी के द्वारे अनेक तरह के प्रोसीजर्स हम करते हैं। मैं संभाजीनगर औरंगाबाद यहाँ पर एज अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहाँ पर मैं पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ। सर, आपने जैसा भी 2 साल के बच्चों पे, जिसका वजन 8 किलो है, ऐसे बच्चे के ऊपर जो सर्जरी किया है, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। तो एक पेशेंट है, बहुत खास पेशेंट है, केवल 2 साल का बच्चा है, पर 2 साल के बच्चे को ना खाना खाने लाजमी हो रहा था, ना पानी पी पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो भी खाना वो खाता था या जो भी पानी पी रहा था, वो सब कुछ नाक के रास्ते पलट के बाहर आ रहा था। उसका वजन केवल 8 किलो था। आमतौर पे 2 साल के बच्चे में वजन 12 किलो होना चाहिए, पर इसका वजन महज 8 किलो था। वो पूरी तरह से गल गया था, उसको निमोनिया के रूप में वो दिखाने आया था। जब पूछताछ की माता पिता से, तो मालूम पड़ा कि जन्म से ही उसको खाने पीने की तकलीफ थी। सिर्फ इतना है कि पिछले 2 महीने में उसकी तकलीफें बढ़ गई थी। अब ये क्यों हुआ, ये पता लगाने के लिए हमने कुछ जांचें की, जैसे एंडोस्कोपी की जांच या मैनोमेट्री की जांच और बेरियम स्वॉलो नाम की एक जांच की, क्योंकि हमारे जहन में था कहीं को अन्न नलिका की कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे सोचा था वैसे ही निकला। इस बच्चे को अन्न नलिका की जो झड़प होती है वो एकदम टाइट निकली। आमतौर पर हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो ऊपर वाले ने ऐसा नियोजन किया कि खाना खाओ, झड़प खुलती है और खाना आगे निकल जाता है और फिर झड़प बंद हो जाती है, ताकि अपने को एसिड या गैस ऊपर ना आए। पर इस बच्चे को झड़प खुल नहीं रही थी, पूरी टाइट थी। उस वजह से जो भी खाना खाता था, महज कुछ खाना आगे चले जाता था, पर बाकी सब खाना वहीं पर रुकता था और वो बाहर आ जाता था। बचपन में जब जन्म हुआ, जब ये दूध पीता था, तो आमतौर पे दूध पीने के बाद बच्चे शांत रहते हैं, पर ये बच्चा रोता था क्योंकि वो दूध आगे जा ही नहीं रहा था, वो दूध सारा उधर ही रुक जाता था। तो माँ का दूध पीने के बावजूद भी वो बेचारा ना वजन बढ़ा पाया, ना ठीक से खाना खा पाया, ना उसके बाद उसको कुछ पचा। ये सारा कुछ उसका जो वजन है वो कम ही रहते गया, जिस वजह से, और बार बार खाना और जो भी पानी पीता था वो फुफ्फुस में जाता था, जिस वजह से इसको न्यूमोनिया की शिकायत हुई। और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं अकेलेजिया कार्डिया। सर, जैसे बताया कि अन्न नलिका की झड़प जो होती है, खुलना बंद होना ये होता है, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं और क्यों हो जा, क्या क्या वजह होती है? सो आमतौर पे हम लोग अकेलेजिया कार्डिया, ये बीमारी बड़े लोगों में तो बहुत आसानी से डायग्नोज कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि बड़ा आदमी, जो अपने उम्र का आदमी, वो खुद से बता पाता है कि मुझे खाना अटक रहा है, मुझे पानी भी अटक रहा है। ये तकलीफ मुझे कुछ सालों से थी, पर अभी पिछले कुछ दिन या कुछ सप्ताह से, कुछ महीनों से मेरी तकलीफ बढ़ गई है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं अभी धीरे धीरे खाने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे खाना जल्दी उतरता नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि रात में मैं जब भी सोता हूँ तो मेरे नाक से खाना आ जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे बताते हैं कि मुझे हाथ ऊपर लेना पड़ता है या छाती टाइट करनी पड़ती है, तब जाके खाना थोड़ा आराम से नीचे उतरता है। आमतौर पर लक्षण यही रहते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कई साल तक बीमारी अपने शरीर पर निकालते हैं, ये सोच के कि मैं उपवास करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा है। ऐसे केस में उसका वजन भी घटना शुरू हो जाता है। तो बड़े लोगों में आमतौर पे ये बीमारी पकड़ना थोड़ा सा आसान है, पर बच्चों में वो या तो माँ का दूध सहन नहीं कर पाएगा, या वजन नहीं बढ़ रहा है बच्चे का, खाना खाने टाइम रो रहा है, ये लक्षण हो सकते हैं, जहाँ पर आपने सोचना चाहिए कि कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं जिसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सर, जैसा अन्न नलिका का झड़प बताया आपने, ये बाय बर्थ होता है या फिर कभी भी हो सकती है? सो अन्न नलिका की झड़प तो एट बर्थ ही तैयार हो जाती है, लेकिन वो अच्छे से फंक्शन या अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये
किसी को बाय बर्थ होता है, किसी को उम्र में बड़े आदमी को भी ये झड़प काम करना बंद हो सकती है, और समय के साथ में इस झड़प को ट्रीटमेंट देके पूरी तरह से खोला भी जा सकता है। सर अभी जैसा बताया कि आपने पोएम दूरबीन जो होता है ब्रोंकोस्कोपी से जो आपने ऑपरेट किया है, ये क्या चीज होती है और किस तरह किया जाता है? पुराने जमाने में अकेलेशिया कार्डिया ये बीमारी, मतलब जो झड़प टाइट है ये जो बीमारी है, इसको खोलने के लिए पहले दवा गोली देते थे, पर वो गोली का एक्शन टेम्पररी होता था। जब भी कुछ खाते थे तब उसके पहले गोली लो, वो झड़प थोड़ी खुलती थी और उसके बाद खाना पच जाता था, पर समय के साथ में गोली का एक्शन कम हो जाता था और उससे बीपी कम होने का डर लगा रहता था। फिर उसके बाद आया बलून डायलिटेशन, कि जिसमें हम लोग दूरबीन के रास्ते एक बलून डालते थे और रास्ता चौड़ा करते थे, पर वो झड़प टाइट होने का उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो रचना है, वो ऐसे था कि वो टाइट हो जाता, तो इसलिए जब भी आप झड़प खोलते थे बलून से, वो वापस से टाइट होता था, वापस 3-4 महीने में दोबारा तकलीफ शुरू होती थी। समय के साथ में इस पे दूरबीन की शस्त्रक्रिया आ गई, पहले बाहर से दूरबीन से होता था, अब मुंह के रास्ते भी होने लग गया। इसमें मुंह के रास्ते जो प्रोसीजर करते हैं दूरबीन से, उसको कहते हैं पोएम प्रोसीजर, मतलब पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, जिसमें पूरी जो शस्त्रक्रिया है वो मुंह के रास्ते होती है, बिना कोई चीरफाड़ के, बिना कोई टाके के, हम लोग मुंह के रास्ते अंदर जाके अन्ननलिका का एक ऑपरेशन करते हैं, और वो ऑपरेशन को महज 45 मिनट 1 घंटा 2 घंटा के करीब लगता है, और उसके बाद में पेशेंट को हम लोग 6 से 12 घंटे बाद खाना खिलाना शुरू करते हैं, और 36 घंटे में अगर सब ठीक रहे तो हम लोग छुट्टी भी कर देते हैं। जैसे सर आपने बताया कि बच्चे को अपने 36 घंटे में जो 12 घंटे में खाना भी दिया है और 36 घंटे में छुट्टी भी किया है, तो सर ये कैसा हुआ है, 2 साल के बच्चों को इतना फास्ट रिकवरी कैसा होता है? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आम लोगों को जानना, कि आज के तारीख में औरंगाबाद शहर में ये सब ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। कई बार पहले लोग बच्चों में क्या ऑपरेशन करेंगे वो डर के मारे पुणे बम्बई देखते थे, आज पुणे बम्बई बड़े शहर हो गए हैं, खर्चा भी होता है पेशेंट का, वही चीज़ यहाँ पर खर्चा भी बचता है, पर कैसे होता है क्या होता है ये मैं एक पेशेंट के रूप में आपको बताऊँगा, कि हमने इस पेशेंट का, ये छोटे बच्चे का कैसे किया। हालाँकि ये ऑपरेशन अपन ने बड़े लोगों में काफ़ी किए, पर ये बच्चा खास है। क्यों खास है मैं आपको बताऊँगा। ये बच्चा परभनी साइड से आया था, और हमारे पहचान के डॉक्टर जो बाल रोग तज्ञ हैं अमृत बाल रुग्णालय से, उन्होंने हमको कॉल दिया था ये बोलने के लिए कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसको निदान करके इसका इलाज करना ज़रूरी है। मैं उस डॉक्टर का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने ये चीज़, ये प्रॉब्लम नोटिस की थी, और उन्होंने सही मायने से रेफर करके अपने को बुला लिया था। ये बच्चा महज 8 किलो का बच्चा था, अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ ये बच्चा था 8 किलो का। ये जो कंडीशन अभी आप देख रहे हैं इसकी फोटो में, ये नाक के रास्ते में हमने छोटी सी नली रखी थी, क्योंकि हमको इनका निमोनिया भी ठीक करना था और इसको खाना भी खिलाना था, तो ये नली डायरेक्ट जठर में रखी थी। तो 2 हफ्ते के बाद में ये बच्चा थोड़ा सा स्थिर हो गया था। ये जो फोटो है ये 2 हफ्ते बाद की है। ओके। उसके 2 हफ्ते पहले तक ये पूरा गल चुका था। जब एक बच्चे के माता पिता को हमने समझाया कि अपने को किस तरह से ऑपरेशन करना है मुँह के रास्ते, मैं उस माता पिता का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने विश्वास से ये सारा ऑपरेशन करवा के दिया, हिम्मत रखी। आपके हिसाब से क्या माता पिता ने भी डिसीजन लेना बहुत जरूरी था? बिल्कुल, आप दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल जरूरी था, बच्चे में तो क्या अकल है, बच्चा तो बेचारा नादान है, उसको तो ये बीमारी मिल लग गई है, पर माता पिता को खंबीर रह के पूरे हिम्मत के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस पे पूरी तरह से 100% इलाज सही मायने में हो सकता है, पर अगर सामने वाला जोखिम ही नहीं उठाएगा तो डॉक्टर भी धाड़स नहीं करेगा, पर अगर सामने वाला विश्वास डालता है तो डॉक्टर डबल धाड़स करता है। ये बच्चा था जिसको अन्ननलिका की झड़प खराब थी, जिसको हम लोग बोलते हैं अकेलेशिया कार्डिया। अब इसमें कुछ खास बात ऐसी थी कि ये उसकी अन्ननलिका थी, अपन देख सकते ये सफेद रंग का जो है वो कलर है डाला हुआ, डाई है। कॉन्ट्रास्ट स्टडी में मालूम पड़ा कि अन्ननलिका पूरी फूल गई है और यहाँ नीचे रुकावट पैदा हो रही है। ये नीचे जो रुकावट पैदा हो रही है उस वजह से ये खाना वगैरह सब इधर इकट्ठा रह रहा है, वो नाक के माध्यम से बाहर आता है जब भी सो रहा था। तो इसमें हमने, इसको हम बोलते हैं बेरियम स्वॉलो। इसके बाद में हमने इनका मैनोमेट्री और एंडोस्कोपी का जाँच किया, जहाँ पर हमने ये देखा कि इसका जो ये अन्ननलिका है ये एंडोस्कोपी की जाँच है, जहाँ पर ये पूरा जो खाना है इकट्ठा रह रहा है। ये खाना इकट्ठा रहने और
जो ये जांच हमने मैनोमेट्रीबेरियम की, ये तीन जांचों पर से हमने ये जांच इस बीमारी का निदान कर लिया था, पकड़ लिया था कि ये अकेलेशिया कार्डिया की बीमारी है। अब जब ये पेशेंट का ऑपरेशन हुआ तो ये नीचे की झड़प है, ऑपरेशन के पहले की झड़प जो है टाइट थी एकदम, और जैसे अपन ने इनका ऑपरेशन किया, इसमें हम लोगों ने अन्न नलिका को कट किया अंदर से, ये पूरा अन्न नलिका को अंदर से कट हुआ है, और ये अलग 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 फोटो है ऑपरेशन के दौरान जो किया, इसमें बिल्कुल कोई खून का रिसाव नहीं हुआ, कुछ नहीं। हालांकि जोखिम होती है पर वो मिनिमम रिस्क होता है। ऑपरेशन के बाद में इनकी जो झड़प थी ये इस तरह से खुल गई थी, पहले जो रास्ता एकदम बंद था अब वो रास्ता खुल गया, जिससे कि खाना वाना सब आगे। और ये कैसे मालूम पड़ा कि अब खाना आगे जा रहा है क्या नहीं, दो तीन चीजों से। एक है, हमने इसका बेरियम का जांच वापस किया, ये कलर दिया, ये झड़प खुल गई तो बराबर सारी झड़प नीचे चलेगी, सारे जो कलर है वो सारा नीचे चलेगा, कॉन्ट्रास्ट जो है वो पूरा लिक्विड अंदर चलेगा, इसका मतलब अब खाना भी पूरा सा निकल रहा था आगे। और ये ऑपरेशन के क्लिप है, जैसे टाके अपन बाहर से देते हैं वैसे हम लोग अंदर से देते हैं, पर ये टाकों की खास बात ऐसी है कि ये अंदर से जो क्लिप है इसको निकालने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट निकल जाते हैं, इसको बार बार अंदर जा करके टाके खोलो ऐसी जरूरत नहीं रहती है, ये डायरेक्टली पूरे अपने पैखाने के रास्ते निकल जाती है, इसको बाद में देखने की जरूरत भी नहीं होती। तो इस तरह से इसका जो भी खाना है वो सारा आगे निकलते गए, और यही पेशेंट को हमने 12 घंटे के बाद में जब खाना खिलाया, ये ऑपरेशन के बाद वाला फोटो है, इनके पिताजी के साथ में ये है, और जब इनको खाना खिलाया, उनकी माताजी है जो उनको खाना खिला रही है, यहाँ देख सकते हैं वो नाशनी का पेच वगैरह लेना शुरू कर दिया, बिना रोए बिना छाती को हाथ लगाए और एकदम तेजी से ये खाना खाना शुरू कर दिया। बच्चा अच्छे से बैठा हुआ है, बिल्कुल रो नहीं रहा है, इसको बाहर से कोई चीर फाट नहीं है, ना बाहर से कोई टाके है, और इसके बाद में इसकी छुट्टी की गई। जैसा सर आपने बताया कि ये फॉलोअप के लिए आया, तो इसमें क्या चेंजेस लगा आपको, क्या बढ़ोतरी लगी, क्या चेंजेस लगा? ये बहुत जरूरी बात है, ये बच्चा 8 किलो का था जब आया था और आज 1 महीने के ऊपर हो गया है। जब ये फॉलोअप पे आया था तो हमने इसका एंडोस्कोपी दोबारा किए थे, झड़प अच्छी खुल गई है, जख्म भर गई है। जरूरी बात यह है कि इसका वजन 2.3 किलो से बढ़ गया, 1 महीने के अंदर अब उसका वजन 10.3 kg, 8 किलो से 10.25 किलो के ऊपर निकल गया है। और बच्चा सिर्फ खेल रहा है और फोन मांग रहा है कि मुझे फोन देखना है, और खाना क्या क्या खा रहा है तो सब कुछ खा रहा है, जो खाना है 2 साल का बच्चा खा सकता है उसकी उम्र में, वो आज सब कुछ खा पा रहा है, बिना रोए धोए बिना नाक से पानी निकाले। और उसके माताजी का कहना था ये पहली बार चैन से सोया बुझे, क्योंकि हर बार रात में नींद में उसका नाक से पानी आ रहा था, अब ये सोने लग गया अच्छे से। सर बहुत अच्छा आपने हमारे दर्शकों को मालूम दिए है। सर ऐसी ही सर्जरी या फिर ऐसे ही डिसीज जो होते हैं बच्चे में नहीं समझ में आते, तो माता पिता को और दर्शकों को क्या संदेश देंगे आप? मेरे राय में ये देखो कुछ बातें खास है, आज के ज़माने में एंडोस्कोपी या कोई और जांचें भी बहुत इजीली अवेलेबल हो गई है। अमेरिका जैसा नहीं है कि जहाँ पर अपने को 3-6 महीने पहले पेट के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, यहाँ पर अपन कभी भी पेशेंट और डॉक्टर की मुलाकात हो सकती है। तो जब भी आपको लगे कि बच्चे को तकलीफ है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उस पर जो जांचों की ज़रूरत है या जो भी डॉक्टर की ज़रूरत है आप उनको दिखाइए। दूसरी चीज़ है कि आज के तारीख में बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन जो पहले बड़े शहरों में ही होते थे वो सारे ऑपरेशन यहाँ भी होने लग गए, हालांकि यहाँ पर अब ऐसे ऑपरेशन भी होने लग गए जिसको ना टाके की ज़रूरत ना चीरफाड़ की ज़रूरत है, सिर्फ मुंह के रास्ते या पैखाने के रास्ते या मोशन के रास्ते भी अंदर जा करके ऑपरेशन हो सकते हैं। तो बच्चों में कोई बड़ा ऑपरेशन ही लगेगा या टाका ही लगेगा ज़रूरी नहीं है, सही डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके डॉक्टर को उस हिसाब से फैमिली डॉक्टर से बात करो, पूछो और आगे का आप सलाह ले सकते हैं। एक और बात है कि कई सारे बड़े लोगों में भी अपन मुंह के रास्ते पैखाने के रास्ते ऑपरेशन किए हैं, जिसमें एक बाबूजी थे जो करमाड़ा अहमदनगर से आए थे, उनको पैखाने के रास्ते 10 सेंटीमीटर की गांठ थी, उनको 75 साल की उम्र में 5 एंजियोप्लास्टी के स्टेंट थे, एक डॉक्टर ने भेजा था उनको, 8 घंटा दूरबीन के रास्ते पैखाने के रास्ते अपन ने ऑपरेशन किया था और पूरी की पूरी गांठ एक साथ निकाल दी 8 घंटा ऑपरेशन करने के बाद। वो टाइम गया, वो जमाना गया कि जहाँ एंडोस्कोपी मतलब सिर्फ 2 मिनट की जांच मानी जाती थी, आज के टाइम में अपन उसे
पैखाने के रास्ते, मुंह के रास्ते कैंसर भी निकाल सकते हैं। कोई नांदेड़ से आया, कोई परभनी से आया, एक जलगांव के डॉक्टर के ही एक नातेवाई का है जिनको जठर में कैंसर था, उनको दूरबीन के माध्यम से अपन ने निकाला। इसमें जरूरी है कि ठीक तरीके से पहले उसका निदान होना चाहिए। अगर बीमारी फैल गई है तो दूरबीन से निकालना सही नहीं है मुंह के रास्ते। अगर बीमारी रिस्ट्रिक्टेड है उतनी जगह पर और डॉक्टर को लगता है कि ये दूरबीन के रास्ते निकल सकती है तो बिल्कुल उसको दूरबीन के रास्ते निकाल सकते हैं। ये पूरी की पूरी गांठ निकल सकती है जहाँ पूरा रोग मुक्त, बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी टाका या चीरफाट नहीं लगता है, तो इसमें रिकवरी जल्दी हो जाती है। टाके भरने की गांठ, जख्म सूखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप डायरेक्टली 36-48 घंटे में छुट्टी ले सकते हो, घर पे रह सकते हो, चल फिर सकते हो, करवट बदल सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही करवट पे सोना है या चलना नहीं है या बिल्कुल बेड पे ही रहना है, वो टाइम गया। अब ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पर कम से कम इसमें आप बड़ा काम कर पा रहे हो और पेशेंट को कम से कम तकलीफ में तुरंत रिकवरी दे पा रहे हो। तो सही मायने में सही तरीके से राय लेना, डॉक्टर को मिलना जरूरी है, वो आगे का गाइडेंस आपको बिल्कुल कर देगा। जो उनकी समझ की वजह से, जैसा भाई दूरबीन से ऑपरेशन करना है, ओपन करना है ना, तो जैसा भी ऑपरेशन पहले तो सर्जरी बड़ी किया जाता है, ऐसे लोगों की गैर समझ होता है। अब अभी दूरबीन से कैसा होगा ये कंफ्यूजन रहते, तो इनको दर्शकों को क्या संदेश देंगे आप? देखो क्या है, पुराने जमाने में ऑपरेशन होता था चीरफाड़ कर, फिर आया कि भाई इतने टाके, पहले ऐसा था कि कितने टाके का ऑपरेशन हो पड़ता, 30 टाके 40 टाके, तो उसमें भी ऐसा था कि अरे ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हो। समय बदल गया, दुनिया बदल गई, सब लोग अभी एडवांसेस की तरफ गए कि जहाँ पर कम से कम तकलीफ में आप कैसे ठीक कर सकते। अब आया लैप्रोस्कोपी, पेट में अपन दूरबीन डाल के ऑपरेशन करते हैं। उसके साथ आया एंडोस्कोपी, जिसमें हम लोग मुंह के रास्ते, पैखाने के रास्ते भी ऑपरेशन कर सकते। तो जितना कम कम इसमें होते गया उतना पेशेंट को तकलीफ कम होते गए। तो जब भी एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, जो भी तरीके से अपन ऑपरेशन करना चाहते हैं, उसमें वो पेशेंट को सबसे सही तरीका कौन सा रहेगा वो जानना जरूरी है। वो आपको डॉक्टर ही बता पाएगा, ना आपको गूगल बता पाएगा, ना आपके नातेवाइक बता पाएंगे। कई बार रहता हमारे नातेवाइक का ऐसे क्या वैसा हो गया, पांचों उंगलियां एक समान नहीं है, हर एक की बीमारी अलग, हर एक की परेशानी अलग, हर एक का इलाज अलग। आपको डॉक्टर से पूछना है, आप डॉक्टर के पास फीस दे के जाते हैं, तो आपको उस फीस दे के आपको जो सलाह मिलती है आपको उस पर विश्वास रखना जरूरी है। गूगल पे या नातेवाइक का जो सलाह रहता है वो भी आपके लिए अच्छा ही करते हैं, पर उनकी सलाह फ्री में आती है। आजकल सब तरफ से सलाह आ जाते हैं, पर मेरे राय में आपने थोड़ा सा डॉक्टर पे विश्वास रख के आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि जो हाथ करता है उसी को मालूम है कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीजें यूज होंगी, क्या रिस्क है, क्या फायदे हैं, क्या खर्चा है, आपने उसके हिसाब से आगे बढ़ना जरूरी है। सर लास्ट क्वेश्चन ये है, एंडोस्कोपी के बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दीजिएगा, और गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडवांस ट्रीटमेंट क्या क्या होती है उसके बारे में दर्शकों को बता। तो एंडोस्कोपी हमारे औरंगाबाद में संभाजी नगर में दो ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने एंडोस्कोपी, दो नहीं हालांकि मैं कहूँगा 4 से 5 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने आम जनता तक एंडोस्कोपी क्या होती है आज से 20 साल पहले ही उन्होंने वो चीज़ पहुँचा दी थी। गोपन पल्लीकर सर, सातरकर सर है, टाकलकर साहब हैं, बोरगांवकर साहब हैं, झुंझुनवाला साहब हैं, ये सब लोग जो दिग्गज लोग हैं, इन्होंने एंडोस्कोपी क्या होती है ये चीज़ आम जनता तक पहुँचाई है। मैं इनको एडवांस एंडोस्कोपी के बारे में समझाना चाहूँगा। एडवांस एंडोस्कोपी मतलब वो जो 1 सेंटीमीटर की दूरबीन है उससे आप अन्न नलिका, जठर, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, इसमें जो भी बीमारी है, फिर चाहे कैंसर हो या झड़प खराब हो गई हो या उसमें कोई खून का रिसाव हो रहा हो, खून की उल्टी हो रही हो, पैखाने के रास्ते खून जा रहा हो, मूल व्याध हो, ये सब की ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी से संभव है। पेशेंट टू पेशेंट इलाज में फ़र्क आ सकता है, पर फिर एंडोस्कोपी हो जैसे मुँह के रास्ते, कोलोनोस्कोपी हो पैखाने के रास्ते, या पित्त की नली में जो कंकड़ होते हैं, पित्त की नली के कंकड़ भी साफ कर सकते हैं। स्वादुपिंड की बीमारियां, स्वादुपिंड के कैंसर, पित्त की नली के कैंसर को भी इलाज अपन एडवांस एंडोस्कोपी से कर सकते हैं। बस ये चीज़ मालूम रहना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये जो चीज़ें हैं एंडोस्कोपी के, एडवांस एंडोस्कोपी के, ये सारी सुविधाएं गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। ये सब चीज़ों का और ऊपर वाले की दुआ से इतने अच्छे अच्छे पेशेंट, इतने अच्छे अच्छे मतलब अनुभव या उतना विश्वास डाल के यहाँ पर आए, ठीक होके गए, मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ उन सब लोगों को।
लेकिन और जिसको भी जो भी जरूरतमंद है, आप बिल्कुल यू आर वेलकम एट गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आकाशवाणी के सामने HDFC बैंक के पीछे है पुराना अस्पताल है, जो पहले चाइल्ड हॉस्पिटल के नाम से फेमस था चिल्ड्रन के लिए। यही चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखा दर्शकों, ये थे आशीष गांधी सर, जो काफ़ी कम समय में पूरे महाराष्ट्र में इनका नाम हो चुका है। हम यही बताना चाह रहे थे कि गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडवांस ट्रीटमेंट भी आ चुकी है, तो आप किसी को भी ऐसा महसूस होता है तो एक बार ज़रूर आशीष गांधी सर से आप मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद। आरोग्य जागृति।